हाई करो, फ्रैंकिस दो, फ्रैंकिस दो सभी को, फ्रैंकिस दो, बाय कर दो, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुलक्ष्मी गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में जिसका नाम है ड्रॉ विद पैशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रे आ गए हैं और नवरात्रों को लेकर ही मैंने अब कुछ वीडियोस डालनी शुरू कर दी हैं। उनमें से मैंने एक जो वीडियो आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, वो है लहंगा चोली, माता रानी की लहंगा चोली। फ्रेंड्स, अपनी मैया के लिए सभी शॉपिंग करते हैं नवरात्रों में, हम भी करते हैं, बट मैंने सोचा इस बार कुछ नया किया जाए, इस बार कुछ बाहर से न लाकर अपनी मैया के लिए खुद बनाया जाए। तो वो वीडियो, इसलिए मुझे लगा कि वो चीज़ भी मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए आप सभी के लिए लेकर आई हूँ माता रानी की लहंगा चोली की वीडियो। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ उसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और प्लीज़ उसके साथ जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज जो हमें सामान चाहिए उसमें हमें चाहिए बुकरम, एक फैब्रिक, ग्लू गन, वॉल चेन, दो तरह की लेसेस, एक गोल्डन डोरी, गोटा, कुछ शीशे के पीस, सीज़र। फ्रेंड्स, मैंने अपनी माता रानी की मूर्ति के साइज़ के अकॉर्डिंग उनके लहंगे के लिए कपड़े का एक पीस पहले से काट के रखा हुआ है। अब ग्लू गन की हेल्प से हम इस पे बुकरम लगाएंगे। बुकरम हमारा लग चुका है, अब हम इसके दोनों साइड्स पे गोटा लगाएंगे। लेकिन गोटा लगाने से पहले हम जो इसके धागे निकल रहे हैं एक्स्ट्रा, हम इन्हें काट देंगे और अब ग्लू गन की हेल्प से हम इस पे गोटा लगाएंगे। अब हमारे दोनों साइड्स पे हमने गोटा लगा लिया है, अब हम इसके किनारे पे लेस लगाएंगे। ग्लू गन की हेल्प से इस लेस को हम लगा लेंगे। अब हमारी छोटी वाली जो लेस है हम उसे भी लगाएंगे, इसे भी हम ग्लू गन की हेल्प से लगा लेंगे। दोनों लेसेस के लगने के बाद हम जो हमारे मिरर के पीसेस हैं उन्हें भी हम ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। मिरर के पीसेस के बाद जो हमारी वॉल चेन है उसे भी कुछ इस तरह से हम ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। और अब मिरर के पीसेस और वॉल चेन को लगाने के बाद हम गोटा भी ग्लू गन की हेल्प से लगा देंगे। गोटा हमारा लग चुका है, अब इस तरह से कुछ इस तरह से प्लेटें बना बना के ग्लू गन की हेल्प से हम पेस्ट करते जाएंगे। और लीजिए, ये हमने प्लेटें बना के पेस्ट कर दिए और ये हमारा मैया रानी का लहंगा बन गया है। अब हम इसमें डोरी लगाएंगे, डोरी भी हम ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। अगर आप चाहें तो इन प्लेटों को सुई धागे की हेल्प से भी सिल सकते हैं। हम माता रानी के लहंगा बनाने के बाद हम चोली बनाएंगे। चोली के लिए मैंने कपड़े का एक पीस काट लिया है माता रानी की चोली के साइज़ का,
इसको मैं ज़रा डेकोरेट नहीं करूँगी, क्योंकि ये माता रानी की चोली के ऊपर मैं चुनी इस तरह से उन्हें पहनाऊँगी कि ये चोली मेरी ढक जाएगी। और मैंने जो माता रानी की ज्वेलरी बनाई है वो भी इतनी हैवी है कि ये चोली ढक जाएगी, इसलिए मैं चोली में ज़रा कुछ नहीं सिर्फ गोटा लगाऊँगी। चोली पे हमने गोटा लगा दिया है, अब हम डोरी लगाएंगे। इसमें डोरी हम नीचे की तरफ दो लगाएंगे डोरी, ताकि चोली अच्छे से हम बांध सके। आप चाहे तो यहाँ पे पतला वाला गोटा भी लगा सकते हैं डोरी की जगह, उसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे डोरी ज़्यादा अच्छी लगी इसलिए मैं डोरी यूज़ कर रही हूँ। इसे भी मैंने ग्लू गन की हेल्प से ही पेस्ट किया है। दीजिए, हमारी चोली बन गई है। लहंगा और चोली बनने के बाद अब हम बनाएंगे माता रानी के लहंगे के लिए दुपट्टा। दुपट्टा मैं उसी फैब्रिक का बना रही हूँ, लेकिन इस कपड़े को मैंने इतना बड़ा साइज़ में इसलिए काटा है क्योंकि जो मैं दुपट्टा माता रानी को पहनाऊँगी वो इस तरह से पहनाऊँगी कि उसमें कई सारी प्लेटें हैं, जैसे माता रानी की साड़ी का एक पल्ला, पल्ले में हम प्लेटें देते हैं, उसी तरह मैं अपने माता रानी के इस लहंगे का जब दुपट्टा उन्हें पहनाऊँ तो उसमें भी इससे मेरे दुपट्टे का साइज़ इतना बड़ा रखा है। अब मैं इस पर वही लेस जो मैंने माता रानी के लहंगे पे लगाई थी, वही चौड़ी वाली लेस मैं इस दुपट्टे के किनारे पे लगा दूँगी। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी कुछ वीडियो डिलीट होने की वजह से मैं आगे की वीडियो नहीं डाल पा रही, लेकिन इसके बाकी दोनों किनारियों पे मैं पतली वाली जो लेस है वो लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स, लीजिए, हमारी माता रानी का लहंगा और चोली बनके तैयार है।